खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर शहर के नागरिकों में गहरा आक्रोश है। चिलचिलाती धूप के बीच सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने और उसके मकान को बुलडोजर से जमींदोज करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 2000 लोग एकत्रित हुए। वहीं सीएसपी गौरव पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और लोगों की बातें सुन हंगामा शांत करवाया। इसे 2 दिन पहले बुरहानपुर के प्रतापपुरा मोहल्ले में 6 वर्ष की बालिका के साथ जो जघन्य अपराध जो पुष्टि की गई है प्रशासन के द्वारा कि बलात्कार और हत्या की गई है, इतनी घिनौनी और इतनी जघन्य मानसिकता के साथ ऐसा कृत्य इस शहर में हुआ है जो कि शहर की छवि को धूमिल करता है। इसलिए हम सभी जन समाज के लोग, सभी शहरवासी मिलकर यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमने कलेक्टर महोदया जी से और राज्यपाल जी से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस घिनौनी मानसिकता से इस कृत्य को करने वाले उस आरोपी को जल्द से जल्द 2 महीने के अंतर्गत फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट के अंतर्गत डाल के और जल्द से जल्द सजा सुना के उसे फांसी दी जाए और उसका जो घर है उसे जमींदोज किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी विचारधारा हमारे समाज के अंतर्गत पनपने की कोई उसका कार्य ही ना हो। मासूम सी बच्ची के साथ जो इतना घिनौना हरकत किया है, क्योंकि वो लड़के ने उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनानी चाहिए। और क्योंकि आज बच्चियां सभी की है, बुरहानपुर में बोलो या लालबाग में, बच्ची के को देखने के लिए मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि वो अधिक से अधिक यदि कैमरे लगा दे पूरे बुरहानपुर में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से अपने को जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है वो चीज़ें बच्चों के साथ होंगा नहीं। शहर के सभी युवा साथियों के साथ जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसको लेके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और ऐसे अपराधी को तुरंत फांसी की सजा और उनके मकान ध्वस्त किया जाए कि आने वाले कोई ऐसी घटना करने से काफी डरे। मैं प्रशासन और शासन से और न्यायपालिका से भी अनुरोध अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को तुरंत आपके पास मुकदमा आए तो फांसी की सजा दी जाए। ये हम सब मिलके न्याय दिलाने के लिए एक जगह जमा हुआ। बालिक बच्ची जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, थाना शिकारपुरा के प्रतापपुरा क्षेत्र की जो घटना थी वो मिसिंग हुई थी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध 18 तारीख को किया था। इतना गंभीर प्रकरण था, क्योंकि बच्ची थी वो बहुत ही मासूम थी, सरल सहज थी, चंचल थी, मिक्सअप होने वाली थी, किसी के भी छोटी सी चर्चा में या कुलाने में जाने की उसकी खबर की थी। बहुत ही मासूम बच्ची थी और सभी लोग उसको लगभग उस चर्चा के दौरान आसपास के लोगों से जो पूछताछ थी उसमें वो सभी के सपा बहुत ही सहज रूप से जाने की उसकी जानकारी आई। उज्जैन में फर्जी तरीके से सिम की खरीद फरोख्त करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में 3 पश्चिम बंगाल के और 2 आरोपी यहीं के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट पर सिम एक्टिवेट कर ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। आरोपी उज्जैन से सिम खरीदकर पश्चिम बंगाल में ले जाकर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें 3 आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अलग अलग जगह से जो फर्जी सिम है, एक डुप्लीकेट सिम और कोर्ट के नाम पर जो एक्स्ट्रा सिम क्रिएट की जाती है उसको खरीद के फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज करते हैं। ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार हमारे यहाँ से इन्होंने सिम कलेक्ट की है। उनके पास से करीबन 70 ऐसी फर्जी सिम भी हम लोगों ने जब्त की है। 2 आरोपी हैं, एक उज्जैन का और एक इंदौर का। अक्षय तिवारी जो हमारे एक फरार और रुपया अभय तिवारी है उसका रिश्तेदार है और इसके अलावा एक सादिक खान है जो कन्नौज उज्जैन देवास का रहने वाला है। इनके पास अपनी आईडी है सादिक के पास, जिसके माध्यम से ये फर्जी सिम क्रिएट करते हैं। इसमें एक मोंटी का भी नाम आया जो नागदा जिले का रहने वाला है, जिसको हम पकड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस लोगों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल के सतपुड़ा भवन में संचालित धार्मिक न्यास एवं धर्मसव विभाग का संचालन आलय शीघ्र ही उज्जैन में स्थानांतरित होने वाला है। इसी को लेकर उज्जैन के सिंहस्थ मेला कार्यालय में तैयारियां की जा रही है। संचालन आलय उज्जैन में
स्थानांतरित होने के बाद प्रदेश की सभी धार्मिक गतिविधियों के आयोजन उज्जैन से तय होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल भी अपनी मुहर लगा चुका है। कहा गया है कि विभागीय मुख्य कार्यालय कोठी रोड स्थित सिंहस्थ मेला कार्यालय भवन के कुछ कक्ष खाली करवा लिए गए हैं। सिंहस्थ मेला स्मार्ट सिटी का कार्यालय पूर्ववत यहीं से संचालित होगा। राज्य शासन के निर्देश अनुसार धर्मस्व विभाग का डायरेक्टरेट उज्जैन में शिफ्ट होगा। इसके लिए वहाँ के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है उसमें जो टॉप फ्लोर है उसको आइडेंटिफाई किया गया है शिफ्ट करने के लिए। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में नरसिंह जयंती धूमधाम से के साथ मनाई गई। विदेशी फूलों और फलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस्कॉन के पंडित राघव दास ने बताया कि उज्जैन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप नरसिंह जयंती का प्रकट उत्सव का पर्व इस्कॉन मंदिर में मनाया गया। भगवान नरसिंह का विशेष रूप से मुंबई से आए चाइनीज और देशी फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर में उत्साह दिखाई दिया। भगवान नरसिंह की जयंती पर आम फल और आम की पत्तियों के साथ फूलों से सजाया गया नरसिंह भगवान का दरबार। भगवान जो है भक्ति में जो विघ्न आता है उसको हरण करने वाले भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव, उनका जो भक्त था प्रहलाद बहुत छोटे थे तो उनके ऊपर जब खतरा आया और उनकी भक्ति में जब विघ्न पड़ा तो उनको रक्षा करने के लिए प्रस्तर के खंभे से वे प्रकट हुए और इस प्रकार से नरसिंह प्रकटोत्सव मनाया जाता है। आज वही दिन है नरसिंह चतुर्दशी का। आज मंदिर में प्रातः से ही बहुत ही आनंददायक आयोजन हो रहे हैं और इस आनंद की शोभा बढ़ा रहे हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज, परम पूज्य गोपेंद्र स्वामी जी महाराज और इन सब के द्वारा रोज जो है सुबह और शाम को नरसिंह कथा की जा रही है और सुबह मंगल आरती हुई। दर्शन आरती में भगवान का जो श्रृंगार हुआ है आम्र फल और आम्र पत्तियों से हुआ है जो कि नैना अभिराम है। उसके पश्चात कथा के बाद में नरसिंह यज्ञ के बाद में पुनः दिन भर कीर्तन और कथाएं चल रही हैं। शाम को 5 बजे अभिषेक होगा और 7 बजे महा। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवास रोड स्थित उद्योगपुरी में कंपनी के लिए शेड निर्माण के काम के दौरान कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने कहा कि लापरवाही मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी वो ऐसा सर के वो करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। भैया के बड़े लोग देवास से रोज आना जाना करते थे तो अभी तो यहाँ लेके आए हैं। कहाँ पे काम करते थे? वो यहाँ विक्रम नगर कंपनी में चद्दर का काम करना है। चद्दर तो कैसे हो गया, क्या कैसे मौत हो गई? कुछ मशीन का वायर लगाने से तो करंट से लग गया। क्या जिनकी मौत हुई क्या नाम है? ठेकेदार का नाम इजराइल इजराइल। नहीं आपको भाई का क्या नाम मौत हुई? दीपक चौहान। क्या उम्र होगी उनकी? 35 साल उम्र। तो देवास से क्या काम करने आते हैं? हाँ डेली आते थे, डेली आना जाना करते थे देवास।